अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, बात करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, दो तीन दिन पहले मैंने आप लोगों को जो है अपना अगली दस्ती खोलने का तरीका सिखाया था, ठीक है। आज हम जो है रान खोल रहे हैं। ये रान के अंदर से जो नली वाली हड्डी होती है ये निकाल दी बाहर इन्होंने। नली वाली हड्डी है ये, रान खुलने का तरीका बहुत आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने दस्ती खोलने का तो तरीका देख ही लिया था, दस्ती किस तरीके से खुल रही थी। दस्ती खोलना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला होगा तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। जस्तुजू होनी चाहिए काम करने की, और कुछ नहीं है। काम करने की जस्तुजू जिसके अंदर होगी ना, वो सारे काम कर सकता है आसानी से। ये देखें, रान इसके अंदर से हड्डी निकाल दी है। देख रहे हैं ना आप किस तरीके से सफाई कर रहा है ये इसके अंदर से। ये देखें, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। गौर से देखें आप ये किस तरीके से इसके ऊपर जो है ना पपड़ी उतार रहा है ये। असल में गोश्त जो है सुबह से लटका हुआ होता है ना, हवा लग के सूख जाता है ये। ये सूखी हुई जो पपड़ी होती है ना, ये वो अक्सर गोश्त के ऊपर आप देखते होंगे कड़क कड़क हो जाता है वो, मतलब बिल्कुल पापड़ की तरह कड़क हो जाता है वो। रवाज कहलाता है, ये चर्बी है ये। बहुत आसानी से देखें, आपने देखा हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरी रान खोल दी 2 मिनट में, ठीक है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।